आपने आज से पहले ट्रेन में लूटपाट की घटनाओं और गलत हरकतों की खबर जरूर सुनी होगी, लेकिन आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि रेल में सफर करने वाले सभी लोग खराब नहीं होते। इसी का एक उदाहरण शनिवार को देखने को मिला, जब मेवाड़ एक्सप्रेस की बोगी नंबर S3 में सफर करने वाले दिल्ली के एक युवक ने 12 वर्षीय बालक को लावारिस अवस्था में देखा और उसे उसके माता पिता तक पहुंचाने के लिए सारे प्रयास भी किए। शनिवार को मेवाड़ एक्सप्रेस की बोगी नंबर S3 में उदयपुर के माली कॉलोनी निवासी एक नाबालिग लावारिस अवस्था में मिला, जिसे ट्रेन में सफर कर रहे दिल्ली के एक जागरूक व्यक्ति ने देखा और उससे बात की तो बच्चे ने बताया कि वह उदयपुर में माली कॉलोनी का रहने वाला है और माँ से 10 रुपये लेकर घर से निकला था। पीछे से एक बाइक पर दो नकाबपोश आए और उसके मुंह पर रुमाल बांधते हुए बाइक पर बिठा लिया और अपहरण कर चित्तौड़ ले आए। चित्तौड़ रेलवे स्टेशन के बाहर दोनों ही बदमाश उसे छोड़ गए और ट्रेन में बिठा दिया। बच्चे के मुंह से खुद के अपहरण की कहानी सुनकर दिल्ली निवासी फैजान ठाकुर ने उसके माता पिता तक पहुंचने का प्रयास किया। ट्रेन में मिले बच्चे ने टेकरी स्थित राजस्थान एकेडमी की यूनिफॉर्म पहन रखी थी, जिससे श्री ठाकुर ने गूगल पर सर्च करते हुए विद्यालय से संपर्क किया और उसके माता पिता को भी इसकी सूचना दी। फिलहाल बच्चा RPF की कस्टडी में है और सुरक्षित है, जिसे सुबह कोटा उतारा जाएगा। बच्चे के माता पिता भी कोटा के लिए रवाना हो गए हैं। यहाँ उदयपुर न्यूज़ शहरवासियों से अपील करता है कि यदि बच्चे द्वारा बताई गई कहानी सही है और माली कॉलोनी से चित्तौड़गढ़ के बीच किसी ने भी इस बालक को ले जाते हुए देखा हो तो इसकी सूचना संबंधित थाना पुलिस को ज़रूर दें, ताकि ऐसे बदमाश सीख चौके पीछे आ सकें। चलिए आपको सुनाते हैं बच्चे ने रेलवे पुलिस में RPF के जवानों से क्या कुछ कहा। हेलो हेलो, हाँ जी, धर्मवीर जी बोल रहे हैं सर? हाँ जी सर, हुकुम, मैं अभिषेक जोशी बात कर रहा हूँ उदयपुर से और उदयपुर न्यूज चैनल से। हाँ जी सर। सर वो बच्चे की थोड़ी सी डिटेल बता सकते हैं क्या? बच्चे तो सर हमको ये बता रहा था कि मेरे को कोई किडनैप करके लाया सर। अच्छा, और ये कहानी बता रहा था, मोटरसाइकिल से आए थे दो लोग उदयपुर से, मैं घर से मम्मी से 10 रुपये लेके निकला था। हाँ, और किसी ने मेरे को मोटरसाइकिल से मुंह बंद करके बैठा लिया। अच्छा, मतलब घर से निकला था बच्चा? हाँ ऐसे बता रहा ये तो। अच्छा, और फिर चित्तौड़ छोड़ दिया? हाँ चित्तौड़ छोड़ दिया स्टेशन के बाहर और बोले कि कहीं भी चला जाते हो। तो इसके साथ कुछ मतलब मारपीट लूटपाट कोई? ना ना कुछ नहीं है, मैंने पूछ लिया कोई मारपीट किया किसी ने? बोले नहीं सर किसी ने नहीं। हाँ सर बात हो गई है पेरेंट्स से, मम्मी इसके पापा से जी। हाँ वो आए बता रहे हैं कि वो चल दिए वहाँ से, ऐसे बता रहे हैं बच्चे तो उसके जैसे गाड़ी हमारी क्या ट्रेन के अंदर ड्यूटी थी सुरक्षा में मेवाड़ एक्सप्रेस में, तो वहाँ ये मिला था ऐसे 3 में, कोई था नहीं उसके पास लावारिस का, वैसे कहाँ जाएगा क्या है भाई। तो पहले से भी नहीं बता रहा है कि मेरे साथ ऐसे ऐसे कुछ हुआ है। अकेला दिखता है तो पूछते हैं ना बच्चों से, तो बोला कि तेरे ऐसे बात मेरे को किडनैप करके लाने को। अच्छा, पर अब वो लोग कौन थे ये भी नहीं जानता है कुछ? ना कुछ नहीं बता रहा, बोले मुँह पे उन्होंने वो काला सब लगा रखा था मुँह पूरा। अच्छा ठीक है सर, ताकि मैं वैसे भी उसका मतलब सुबह देखते हैं, अब तो सुबह तक आएंगे कोटा में तो। हाँ सर, अब तो सुबह तक तो हमारे अंदर नहीं रहेगा। जी जी तो सुबह देंगे इसके मम्मी पापा को।